किसान किसान क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? 10,000 रुपए पेंशन का मांग रहे हैं। एमएसपी की फुल फॉर्म बताओ। एमएसपी के मैं बता रहा हूँ, एमएसपी की बताइए। 10,000 रुपए पेंशन मांग रहे हैं वो, ठीक है। एमएसपी फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताओ। आप फुल फॉर्म बता दे, आप क्या करेंगे? हार जाएंगे, हार जाएंगे। वो किसान एमएसपी की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, एमएसपी पता नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 400 बार होंगे, ये 400 बार ही अपने विधानसभा को सुधार नहीं पा रहे, लोकसभा की तो बहुत बड़ी बात है। मनोज तिवारी जी, इस बार अगर अपनी जमानत भी बचा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 साल में इन्होंने क्या करा, 10 साल में, 10 साल में इन्होंने ये करा कि इस पार्क में आपके सामने दारू पी रहे हैं बच्चे, दारू पी रहे हैं, इन्होंने बोतल पकड़ा दी बच्चों को हाथ में, दारू पी रहे हैं। नहीं नहीं, केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस किसके हाथ में? यहाँ का विधायक कौन होगा? जितना खुशहाल मुसलमान भारत में है उतना कहीं नहीं है। देश अब बदलाव मांगता है, मोदी जी नहीं मांगते। भारत जोड़ो यात्रा में हमारा बेनिफिट होगा, बीजेपी का बेनिफिट होगा। जिस तरह के बयानबाजी करते हैं ना, उससे बीजेपी का बेनिफिट होता है। और ऐसे प्रचार करने वाले हमें चाहिए। उसके बाद रोजगार कोई मांग नहीं सकता इनसे, सबके मुंह में राम घुसेड़ दिया। मोदी जी ने जो करके दिखा दिया वो कोई करके नहीं सक यहाँ पे दिखा सकता, माइका लाल, ये मैं खुल के कहता हूँ। ईडी और सीबीआई को बार बार भाजपा चुनावों के डर से बौखलाहट में इस्तेमाल कर रही है। चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अपनी नानी की बात भूल गए केजरीवाल जी। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही, सोमनाथ भारती के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अरे भाई, और कितने मिनिस्टर अंदर जाएंगे? इतनी बौखलाहट गठबंधन से, इतनी बौखलाहट, क्या बोल रहे हैं? ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये दिल्ली को ठगने के उपरांत और ठगने के लिए उसमें से आए। सोनिया गांधी के चरणों में जाके लेट गए, उन्हीं राहुल गांधी के पैरों में जाके लेट गए। आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आप कितने हैं तैयार? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप यहां खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर उठा सकते हैं अपनी आवाज, बता सकते हैं कि इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई है। तो इसीलिए बोलिए और खुलकर बोलिए, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के यमुना विहार में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथ ही दिल्ली की आम जनता इस वक्त मौजूद है। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल हम लोग लेंगे जनता से। 5 काम सेंट्रल स्कूल बनाए, 2 यहाँ में क्लासिक नाम है, और शास्त्री पार्क में क्या बनाया था हमें, कन्वेंशन हॉल बनवाया, और मंडोली हाल्ट बनवाया है, और जो है ना ये सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, यहाँ रोड जो थी सर्विस लेन उसकी चौड़ीकरण हुआ, 350 करोड़ रुपया वहाँ पे इसको फ्लाईओवर के लिए सेंटर से इशू कराया। और बताइए, और कितने काम बताएं, बहुत काम। सांसद को देखा है कभी इलाके में आते हुए? नहीं देखा। आपने देखा है? देखा है। क्या करने आए थे? कहीं ऑफिस है उनका, वहीं आ जाते हैं, हाथों हाथ से नहीं है। अब ये पार्क देख लो, हाँ। उजड़ गया सारा, हाँ। कोई ध्यान नहीं देता, कोई पैसा खर्च नहीं किया यहाँ। सड़कों का हाल देख लिया जाए, क्या क्या विकास हुआ इलाके में? ये तो ये जनता खड़ी हुई है, इनसे पूछोगे? जनता तो चुप बैठ गई है सर। 5 साल के पीरियड के अंदर मनोज तिवारी जी को कितनी बार यहाँ पे देखा है? ये जनता से एक बार हाथ उठवा के पूछे कि कितनी बार देखा है, कितने हाथ उठते हैं? देखो, हाथ उठवा के देखो एक बार कि 5 साल के अंदर मनोज तिवारी जी को इस इलाके में कितनी बार देखा। मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा जी, हाँ। ना हमने कोई काम कराया, ना हमने कोई काम कराया, ना कोई ईंट लगवाई इन्होंने। बोलिए। मनोज तिवारी जी हर एक
प्रत्येक घरों में यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनकी आवश्यकता उनके लगा वो उस जगह उपस्थित रहे। उन्होंने यहाँ पर विकास के इतने कार्य कराए हैं कि आज बिरला ही ऐसे कोई सांसद हैं जो अब से पहले यहाँ पर बूथ में कभी रहे हों। उन्होंने इतने विकास के कार्य कराए, 3 यहाँ पर से जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो यहाँ पर ला कर दिए, जो अपना साशी पार्क छीलमपुर का फ्लाईओवर वो उन्होंने यहाँ पर बना कर दिया, उन्होंने यहाँ पर जो सर्विस लाइन का जो जाम की वो व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर निपटाई, मंडोली हॉल्ट उन्होंने बना कर दिया, कन्वर्जन सेंटर उन्होंने साशी पार्क में दिया, सामुदायिक भया भवन उन्होंने बना के दिया। आज यहाँ पर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए जो केजरीवाल सरकार आज विफल है उसको खत्म करने के लिए जो मोदी सरकार ने कार्य किया उसका भी एक उदाहरण जो सहारनपुर हाईवे यहाँ पर निकल गया वो उनकी योजना वो यहाँ पर लेकर आए, मेट्रो वो यहाँ पर जो अपना मौजपुर से जो ये मेट्रो चल के आया था ये चौथे फेज की मेट्रो तीसरे फेज की मेट्रो वो मनोज तिवारी जी लेके आए। मनोज तिवारी जी विकास का दूसरा नाम है और यहाँ पर प्रत्येक अब जनता चाहे कि मोदी जी उनके घर के सामने आके बैठ जाएं तो ये नहीं होता है, आप विकास चाहिए, विकास यहाँ मिला है और जनता यहाँ पर खुश है, मनोज तिवारी को पुनः वो चाहते हैं यहाँ पर। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको कि आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से यहाँ से भारी बहुमत के साथ फिर से मनोज तिवारी जी आएंगे और जीत दिलाएंगे। बहुमत की बात हुई है, रुके रुके रुके, बहुमत की बात हुई है। 2024 में नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में प्रधानमंत्री के पद पर है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ऐलान 400 पार होंगे, यहाँ तक 450 भी पार हो सकते हैं। 400 सही कह रहे हैं, पूर्ण बहुमत मिलेगा इस बार, पूर्ण बहुमत 400 से पार जाएगी। कैसे मिलेगा मुझे ये बताइए, कैसे 400 पार मिल जाएगा? मैम कोई 400 पार नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से 232 आएंगी, इससे ऊपर नहीं आएंगी। 232 ठीक है जी मैम। कितने सही बोला भाई साहब ने, 232 400 पार ही होगा क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर रखे हैं, देश की मेरी जितनी महिलाएं हैं वो आज सिर उठाकर चल सकती हैं, उनका और जितने हमारे भाई बहन खड़े हैं उनका एक एक वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा क्योंकि असली ताकत वही है, क्योंकि आने वाली जो ये 2024 में सरकार बनेगी ये नरेंद्र मोदी जी की बनेगी और ठोके बनेगी 400 पार बनेगा, भारत माता की जय। मुझे सर ये बताइए मैडम, अभी आप अभी पार्क में आए थे, आप हमारे आने से पहले आपने स्थिति देखी, ये लोकसभा बीजेपी की है, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, 10 मिनट पहले आपने देखा कि यहाँ 10 बंदे दारू पी रहे थे, पार्क की स्थिति देखिए, जिस दिन से पार्क बना है एक भी पार्क में पेंट हुआ हो, किसी पे कोई टेबल ठीक हुई हो, पार्क की स्थिति सफाई हुई हो, महीने भर से मुझे नहीं लगता है सफाई कर्मी भी आए होंगे, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 400 बार होंगे, ये 400 बार ही अपने विधानसभा को सुधार नहीं पा रहे, लोकसभा की तो बहुत बड़ी बात है। मनोज तिवारी जी इस बार अगर अपनी जमानत भी बता जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये महिला कुछ बात कर रही है, क्या बोल रही है? मैं ये कह रही हूँ कि बहुत काम होता है पर लोगों को संभालना नहीं आता। जो काम यहाँ बीजेपी की सरकार ने कराए पार्कों में, हमारे उस साइड के भी पार्क हैं जो आज महिलाएं जाती हैं वॉक पे जाती हैं, जिम करती हैं वहाँ पर। हाँ तो ये लड़के जो दारू पीते हैं ये दिखते हैं हमारे उस साइड पे नहीं मिलते, यहाँ तो जो यहाँ के लोग हैं उनको भी थोड़ा इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि कौन आता है कौन नहीं आता है पार्क के अंदर, पर काम बहुत हुआ है, मोदी जी ही जीतेंगे 400 पार अब की बार। जी दारू पीने की और ये सारी बात ऐसी है क्योंकि किसी के पीछे कोई रहता नहीं है, अगर बेटा भी घर से बाहर निकलता है उसके पीछे तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि कोई ताश खेल रहा कोई दारू पी रहा है, ये तो सब चलता रहता है। जब क्षेत्र की जनता मिलेगी जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसे अकेले काम तो नहीं कर रहे, वो उनके साथ सभी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो जब हम सब मिलकर करेंगे तो ये दारू वाले क्या सब भाग जाएंगे। ठीक है, सुनिए 2024 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो भी ऐसे मंदिर की जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी को अब की बार राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है उससे फायदा मिलेगा? बीजेपी को चुनावी फायदे के लिए ही प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए की, आप अभी देख रहे हो आप बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, देश को जोड़ते हैं अच्छी शिक्षा की अच्छे स्वास्थ्य की, ये स्वास्थ्य पे शिक्षा पे ये टोटली गवर्नमेंट फेल है, ना ये काम कर पा रही है ना काम करेगी, इसने बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मवाद की राजनीति की है, जातिवाद धर्मवाद से राजनीति करके ऊपर बढ़ रही है, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहन जी ने बोला कि भाई महिलाओं की महिला सुरक्षित है बीजेपी के राज में,
भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई हम दारू वालों को भी हम सब इकट्ठे होकर दारू वालों को भगाएंगे। आप ये बताइए इस पार्क में अभी एक सेकंड भाई साहब आपकी बात कर, एक चीज बताइए आप मुझे, क्या हादसा होने के बाद किसी बहन बेटी के साथ हादसा हो जाए उसके बाद उसको बचाया जाए? अभी हाथरस में कांड हुआ, देश में दुनिया भर के कांड हो रहे हैं, दिल्ली में कांड हो रहे हैं, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उस हादसे को होने के बाद बचाया जाएगा? ये टोटली गवर्नमेंट फेल है, महिला सुरक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने खुद तंदूर के अंदर एक महिला को जलाया था, ये कांग्रेस का इतिहास है। ज्यादा महिला सुरक्षा पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो मैं, यानी ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षा पे कुछ काम नहीं हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई महिला को छेड़ के तो दिखाए, 24 घंटे के अंदर तुरंत एक्शन होता है और घसीट के उनको लाया जाता है। अगर नहीं आता है कोई तो उसको पुलिस एनकाउंटर भी करती है। हाँ जी मैडम, भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपने सुना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एक्शन होता है उन गरीब महिलाओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। आपने सहकर का नाम सुना होगा, पीड़ित परिवार को जड़ से मिटा दिया गया, पीड़ित परिवार के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हुआ। आपने हाथरस कांड में सुना, महिला जिस महिला को सुरक्षा देनी थी हादसा हुआ, उसके पूरे महिला को रात में पेट्रोल से जलाना पड़ा। ये सुरक्षा देते हैं अपराधियों को, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को। आम जनता इनसे परेशान है, क्राइम आम कर रही है आम जनता, पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। इनका मेन मोटिव है हिंदू मुस्लिम आतंकवाद, देश की जनता को आपस में बांटना, लड़ाई झगड़े कराना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इधर आइए कैमरा पर्सन, इधर आइए। जनता त्राहिमाम बोल रही है, ऐसे वो बोल रहे हैं, बताइए। आपका जवाब देना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मेरे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, जब सरकार की कोई योजना आती है तो वो मुस्लिम को भी बराबर मिलती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय बनवाए गए हों, या हर चीज। आज से 10 साल पहले भाई साहब ने पूछा क्या करा सरकार ने, गैस के सिलेंडर की लाइन लगती थी, आज बुक कराते हैं, शाम को सिलेंडर हमारे घर में होता है। और यमुना विहार की समस्या खत्म हो चुकी है, यहाँ पर IGL की लाइन आ गई है, हमारे विधायक जी ने, हर घर में IGL की लाइन आ गई है, ये करा है। एक एक आप देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है। दिल्ली से मेरठ जाते हैं एक्सप्रेसवे बन गया है। इन्होंने पूछा कि आपके, अरे सुनने की आदत डालो, बोलिए। आज POK में जो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला भी कहता है मोदी जी से कि हमें भारत में मिला लो, जो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है जहाँ 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है और वही पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, भुखमरी मची पड़ी है। जितना खुशहाल मुसलमान भारत में है उतना कहीं नहीं है, सबके लिए बराबर योजना मिलती है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग। आइए इधर आइए, अपने देश की जो समस्याएं हैं उस पे बात करो, दूसरे देश में क्या चल रहा है आप उसमें जाके देखोगे क्या, उनसे कंपेयर क्या है इलाके की समस्या में? इलाके की समस्या स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के साथ में सुरक्षा है, और तुम्हारा जो कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई है, बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी का क्या कहते हैं, हमारा देश जो बेरोजगारी के इंडेक्स में था वो कहाँ पर है और आज के टाइम पे कहाँ पर है? और मैम आप ऐसा नहीं है, आप क्या कहते हैं, जितने भी युवा हैं ज्यादातर से पूछो वो प्राइवेट जॉब जरूर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। ये गवर्नमेंट जॉब क्या कहते हैं देना किसका काम है, गवर्नमेंट का या हमारा? तो गवर्नमेंट जब असफल है तो इसमें आप कहां से कह रहे हैं कि क्या कहते हैं जो युवा हैं उन्हें क्या कहते हैं रोजगार मिल रहा है? युवा सड़कों पे, आप ये देखिए कि उन्होंने अग्निवीर योजना चलाई कि यानी 4 साल काम करो उसके बाद में भाई तुम अपना देखो, 4 साल के लिए इनकी क्या कहते हैं सेवाएं ली, उसके बाद में भाई तुम कौन मैं कौन। और दूसरी चीज जैसे भाई ने कहा कि सुरक्षा, वो हमने देखा ही था कि पहलवान बेटियां जो बहन बेटियां वो कैसे बैठी हुई थी, और जो बीजेपी के हमारे क्या कहते नेता थे उन्हें कितना बचाया जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल, कितना बचाया जा रहा था। तो ये सुरक्षा के ऊपर बात। और मैम आप पाकिस्तान से तुलना मत करो, पाकिस्तान में आटा दाल 1000-2000 रुपए किलो हो जाए उससे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हमारे घर में चूल्हा जब जलेगा जब यहाँ पे चीजें सस्ती होंगी। हम देश अब बदलाव मांगता है, मोदी जी नहीं मांगते, देश बदलाव मांगता है। मेरा एक सवाल है आपसे और मोदी सरकार से, मेरा 2000 सवाल ही जवाब कीजिए, जवाब मेरा जवाब मिलेगा मेरे को? 2014 में मेरा मकान कब्जा हुआ है लोनी में, किसकी सरकार है वहाँ पे? बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं मिला मेरा बाप
सब साइन वाइन करके आया, सब एप्लीकेशन देकर आया, आज तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, चक्कू चक्कर यार बुला ले मेरे पापा को, बुला वो भी बुरा आदमी है, 60-70 साल के, चक्कू कटर रख के उनको साइन करवा लिए। बदमाश कौन है? सब बीजेपी के बदमाश है, और कौन है? सब घुसे पड़े वहाँ पे बीजेपी वालों, बदमाश बता रहे हैं आपको जनता, जवाब दीजिए। ये भाई साहब कह रहे हैं 2014 में जो भी इनके, एक मिनट रुकिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। हाँ जी, ये भाई साहब कह रहे हैं 2014 में जो भी इनके साथ हुआ, भाई मेरे हो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है, आप FIR करवा सकते हैं। सर एक मिनट, पूरी बात समझ लो आप, जो FIR का प्रोसेस है, आपकी FIR नहीं दर्ज हुई, आप कोर्ट के थ्रू FIR करा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी। अब नहीं हुई तो उसमें कमी किसकी है भाई? हमारी खुद की कहीं कमी है ना? जब हम कानून को जानते हैं उस हिसाब से काम करेंगे ना, FIR क्यों नहीं हुई? और 2014 का अगर कोई बात है, आप 2014 से 2024 में आपने कुछ नहीं करा 10 साल में, भाई 10 साल में आप FIR नहीं गए, कोर्ट नहीं गए, कोई नहीं होती, सब जगह होती है, या और किसी की, कितने भाई हैं, किसकी नहीं हुई? सबकी हुई, हमारे यहाँ चोरी हुई, आराम से FIR हुई, हर चीज की होती है। अब आएगी एक मिनट, बदमाशी वाली बात, उसी का जवाब लेना। अभी किसी भाई ने कहा, ये कल का ही अखबार है, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पढ़ी भी होगी लोगों ने। ठीक है। एक डॉक्टर साहब हैं कोई, उनसे जबरन वसूली के चक्कर में उन्होंने, मतलब ये प्रकाश जायसवाल हैं कोई, ये दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक, इन्होंने जबरदस्ती पैसा उगाही के चक्कर में, जबरदस्ती के चक्कर में इनको धमकी दी, इनके दो और थे उनको भी सजा हुई है, और उन डॉक्टर साहब ने आत्महत्या कर ली। बदमाश कौन है? बीजेपी वाले। ये भाई बहुत बढ़िया बात है जी, कारनामे इनके बढ़िया, बदमाश बीजेपी वाले। जवाब देना आपको, सवाल ना करूं। नहीं, नहीं। इनकी बात का जवाब ये देना चाहता हूं कि इन्होंने आज आपकी डिबेट पर, जो हम सब यहां लोग खड़े हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। बात है यूपी की, बात दिल्ली में कर रहे हैं, रहते ही ये विजय पार्क में है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो केजरीवाल सरकार है। क्या इन्होंने उनके सामने एक बात रखी कि मैं दिल्ली में यहाँ नागरिक हूँ, ये मेरे साथ हुआ हुआ है, क्या कृपया की कानून व्यवस्था आपकी क्या है? और ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जब आपसे मैंने कहा था मैडम देखी जरा क्या हो रहा है आपके सामने भी, यानी कि इनको डर नहीं है यहाँ पर क्राइम करने वालों को, तो इस भाई का क्या कह सकता हूँ मैं? तो ये केजरीवाल सरकार की नाकामी है कि ऐसा लोग परेशान भी हो रहे हैं। भैया इनकी बात सोचो, देखो जरा, धन्यवाद। चलिए दूसरा सवाल अब हम लेते हैं, मुझे ये बताइए राहुल गांधी तो कहेंगे क्या उसके बारे में? तो भैया नहीं, सवाल सुन लीजिए। ये देखिए, राहुल गांधी का नाम जब भी आता है, सर डिबेट पे इधर ध्यान दीजिए, राहुल गांधी का नाम जब भी आ जाता है लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, अब वजह नहीं पता, जान लेते हैं क्यों खिल जाते हैं। भाई बढ़िया आदमी है, इसलिए खिल जाते हैं। चलिए सवाल लेते हैं फिर तो सीधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या 24 के चुनावों पर कोई असर डालेगी? देखो, भारत जोड़ो यात्रा में हमारा बेनिफिट होगा, बीजेपी का बेनिफिट होगा, जिस तरह के बयानबाजी करते हैं ना, उससे बीजेपी का बेनिफिट होता है। हाँ। और ऐसे प्रचार करने वाले हमें चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें राहुल जैसे प्रचार करने वाले चाहिए, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे उनके साथी छोड़ के चले जाते हैं, किसी स्टेट में जाए वहाँ चले जाते हैं, बिहार देखो, बंगाल देखो, पंजाब देखो, सब छोड़ के भाग जाते हैं। अब महाराष्ट्र में देखो, जो अपने चौहान साहब चले गए छोड़ छाड़े, तो सबको पता है कि हमारे लिए तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। राहुल जी की डिबेट हो कहीं पे, जो उससे बात करी जाए, कुछ भी अनुपचुनाव बोलना शुरू कर दे, तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, कुछ बोल रहे हैं बताइए। अभी भाई साहब कह रहे थे चौहान साहब के बारे में, यानी 2 दिन पहले तो उनके घर ED पहुंच जाती है और सारे काम होते हैं, उन्होंने इतने घोटाले कर रखे हैं, अब उनका 300 करोड़ का घोटाला था, उन्हें बुला लिया गया, बुलाने के बाद उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया, वो 300 करोड़ लेके रख लिए उनसे। ठीक, अभी यूपी के अंदर अभी भर्ती निकली थी, वो देखी थी आपने, कहीं भी भर्ती निकलती है उसके पेपर लीक करा दिए जाते हैं, कि उसके बाद रोजगार कोई मांग नहीं सकता इनसे, सबके मुँह में राम घुसेड़ दिया। राम की बात आपने कर दी है यहाँ पर, प्राण प्रतिष्ठा की गई 22 जनवरी को, तो वो कैसे की गई? क्या बीजेपी चाहिए थी? हाँ। वो टाइम से पहले होनी चाहिए थी। हाँ। कब होनी चाहिए थी आप बताइए, समय कब का निकालना था? नहीं, टाइम उसका काम पूरा होना चाहिए था, पूरा होने के बाद में जो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो उसके अंदर शामिल होने चाहिए थे। है? ये थोड़ी है कि अगर हमारी चल रही है तो हम उस काम को जो अपनी जबरदस्ती करके सबके ऊपर थोप दे उस काम को। मैं बताऊं? बताइए। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताऊं? क्या एक आदमी बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। एक प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर ली? तो प्राण तो जब डालेंगे जब औरत आदमी होंगे। अच्छा, आधा मंदिर बनाया, बात सुनो, आधा शंकराचार्य भी नहीं आए, जो विकास भीषम शर्मा ने कराया यहाँ, सीवर का, पानी का, किसी ने करा, भीषम शर्मा जिंदाबाद। और हमारी बहन बेटी को छेड़ा जाता पार्क में, मेरी FIR कॉपी 18 दिसंबर की,
आज आपने जो यहाँ पर डिबेट रखा वो लोकसभा के चुनावी विषय पे रखा, मैं उसमें अभी आप प्राण प्रतिष्ठा के विषय में कहते हैं, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा मने में, ये लोग तो चाहते हैं, इन्होंने तो वर्षों से उनको 500 वर्षों की लड़ाई हमने लड़ी है, वो जीत कर हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, ये लोग तो चाहते हैं जिस प्रकार से वो टेंट में रह रहे थे प्रभु श्री राम, ये तो चाहते थे कि ये वैसे ही रहे, लेकिन आज इनके दिलों पर इनके हृदय पर जो सांप लौट रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब आपका मौका आएगा जब बोल लेना आप, प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की कराई मोदी जी ने, क्योंकि वादा किया था हमने कि प्रभु श्री राम का मंदिर हम बनाएंगे, आज 370 धारा कश्मीर से हटाकर जो मोदी जी ने आज जो विषय दिया लोकसभा का चुनाव, हम उसके आधार पर 370 पार बीजेपी जीतेगी और गठबंधन हमारा जो जीतेगा वो 400 पार होगा, और जिसकी वजह से और कह रहे थे कि सबके मुंह पे राम घुसेड़ दिया है, जो ये राम का नाम है ना, ये जो आज बोल रहे राम नाम, ये कम नहीं है, मोदी जी ने जो करके दिखा दिया वो कोई करके नहीं सक यहाँ पे दिखा सकता माइका लाल, ये मैं खुल के कहता हूँ, क्योंकि जो राम मंदिर है यहाँ पर 500 वर्ष बाद जो आज पूरे देश में विकास कार्य इतनी तेजी चल रहा है, आज पूरे देश में हाईवे, इतने हाईवे बन गए, इतनी तेजी से हाईवे बने हैं, आज सुगम रास्ता हो गया है जनता के लिए, आज विकास का, आज महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, आज महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर, आपको नारी सशक्तिकरण के लिए नारी नागरिकता अधिनियम जो लाए हैं मोदी जी, ये सब विषयों पर हम आके चुनाव लड़ेंगे, और ये जनता चाहती है कि इन चुनाव इन विषयों पर हम आके फिर से मोदी जी को एक और हम तीसरी बार उनको लाएं, और भारी बहुमत से जब मोदी जी आएंगे तो हमें पता है कि जो अर्थव्यवस्था आज 11वें नंबर से 5वें स्थान पर आई है वो 30 स्थान पर लेके जो उन्होंने संकल्प लिया है हम उसको भी पार करके जाएंगे। मैडम अभी उन्होंने भाई साहब ने कहा कि राम घुसेड़ दिया, एक तो सबसे पहले आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप सभ्य परिवार से हैं, आपके घर में भी मंदिर होगा, आप भी पूजा करते होंगे, तो आपको इतनी तहजीब नहीं है कि आप किस तरीके से बात करें राम जी के बारे में, वो हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारे भगवान हैं, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हैं, पर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि राम घुसेड़ दिया या राम को ले आए, वो थे हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए राम क्या जय श्री राम, राम क्या केवल भाजपा की विरासत है, राम तो सबके हैं, राम पे आपका कब्जा नहीं है, राम सर्वश्रेष्ठ है, राम सर्वश्रेष्ठ है, आप जबरदस्ती हर चीज को भाजपा बनाने की कोशिश करती है और हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, भाजपा की ये अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। चलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, अच्छा चलिए ये राम मंदिर अब छोड़ देते हैं, जनता बहुत उबल रही है, मुझे ये बताइए मोदी पीएम चेहरा उनके अलावा कौन टक्कर में? देखिए पीएम चेहरा कोई भी हो, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाले को लोग पसंद करते हैं, और दिल्ली के अंदर जितना काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, इतना काम आज तक इतिहास रच दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने इतिहास रचा है, आज तक इतना काम कहीं नहीं हुआ। उनसे डर के ईडी और सीबीआई को भाजपा बार 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 ईडी और सीबीआई को भाजपा बार बार इस्तेमाल कर रही है, ईडी और सीबीआई को बार बार भाजपा चुनावों के डर से बौखलाहट में इस्तेमाल कर रही है और बार बार समन भेज रही है, बार बार उनको गिरफ्तार करने की सर, अरे ईमानदार नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ईमानदार नेताओं को क्यों जेल में डाला जा रहा है, ईमानदारी की सजा मिल रही है, दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए इस बात की सजा मिली है उन्हें, दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए एक के साथ एक फिर करके, क्यों शराब की दुकानें खुलाई उन्होंने एक के साथ एक, क्यों शराब घोटाला? अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ हुई है दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ हुई है आजकल, रुकिए सुनिए पहले, हट जाइए अगर आपको पीछे से बोलना है तो, प्लीज बोल दिया, हट जाइए यहाँ से, सुनिए अरविंद केजरीवाल की बात यहाँ पर हुई है, आजकल गठबंधन सुनने में आया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, सुनिए कंप्लीट करने दीजिए, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस, जवाब दीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि अपनी नानी की बात भूल गए केजरीवाल जी,
मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही, सोमनाथ भारती के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अरे भाई, और कितने मिनिस्टर अंदर जाएंगे? ईमानदार सरकार, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 38 पार्टियों का एक संगठन बनाया। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। इतनी बौखलाहट गठबंधन से, इतनी बौखलाहट, क्या बोल रहे हैं? ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये दिल्ली को ठगने के उपरांत और ठगने के लिए उस मंशा से आए जो आपस में कभी मोदी जी ने बनाया गठबंधन। पुल बन रहा है जिसके अंदर लेंटर में सरिया नहीं डाला जा रहा है, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, जाके आप मुस्तफा आजम पता करो। एक स्कूल बन रहा है ये दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके अंदर स्लैब डाला जा रहा है, वाइट रेड स्टोन डाला जा रहा है, छत के ऊपर सरिया नहीं डाला जा रहा है, लेंटर में सरिया डलता है वो नहीं डाला जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों के भविष्य को उसको नहीं देख रही है, ये एक एक सरिये में घुसे पड़े हैं, एक एक सरिये में एक ईंट चेक करते घूम रहे हैं। असलियत में जो जो पढ़ने वाले पहले कहा करते थे कि बंद कर दो इन एजेंसियों को, सीबीआई को, ईडी को, क्यों नहीं सोनिया गांधी पे जांच बिठा रहे हैं? कहते हैं कि हमारे हाथ में दो, आज उसी जांच से भाग रहे हैं। साथ साथ संबंध चले गए लेकिन आज भी संबंध में प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, और आज उसी भ्रष्टाचारी पार्टी से उन्हीं सोनिया गांधी के चरणों में जाके लेट गए, उन्हीं राहुल गांधी के पैरों में जाके लेट गए। भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी जो अपने बच्चों की कसम खाते थे, मैं कभी कांग्रेस की समर्थन नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खा के जो आदमी झूठ बोल जाए, जो अपनी नानी का नाम लेके कह दे कि मैं कभी राम मंदिर नहीं जाऊंगा और वो राम मंदिर होके आ रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, बच्चों की कसम खा गए अरविंद केजरीवाल, ये देखिए डिबेट हो रही है, क्या कहेंगी? वो तो झूठा ही है, झूठा ही है। आई आंटी, झूठा तो सारी पब्लिक निकम में कर दी, फ्री का दे दे कर, और सबसे ज्यादा झूठा है। हाँ। सबसे ज्यादा झूठा ही है केजरीवाल है। हाँ। इस टाइम तो चुनाव है, अब लोकसभा किसको वोट डालेंगे? हम तो बीजेपी के हैं, हाँ, पहले से ही बीजेपी। हाल का जो काम है, आप यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं आप वहाँ जाके देख लिए, वहाँ के बच्चे दीवार फान फान के पार्कों में बैठ के सिगरेटें पीते हैं। हमने कोई एडमिशन नहीं होते हैं सरकारी स्कूलों में, बिना सोर्स लगाए अगर बच्चों का एडमिशन कराना है ना। अरे अरे रुकिए, अरे सुनिए कैमरा पर्सन जी, ये ओवैसी को सपोर्ट करने आए थे, इनसे बातचीत करते हैं। आइए आइए, इधर आइए आइए आइए, ये देखिए दोस्त, कौन सी क्लास में? हम टेंथ क्लास में। टेंथ क्लास में, कैमरा पर्सन जी पीछे हो जाइए जरा, इधर आइए दोस्तों। ये ओवैसी AIMIM को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे, बताइए। नहीं, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता, क्यों? वो होनी नहीं चाहिए पार्टी, गांधी होनी चाहिए हमारे देश में, वही देश संभालते हैं, उनके अलावा कोई संभाल नहीं सकता देश। बीजेपी भी बेकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी भी बेकार है, उनके अलावा भी मैं लगता है सिर्फ बड़े जो है ना, सिर्फ राहुल गांधी जी हैं और वो यहाँ नहीं चाहिए बस। इधर आइए दादी जी, मैं तो राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ, हमारे जितने और ये जो कह रहे हैं ना स्कूल से भाग के जाता, कोई नहीं जाता भाग के, हमने देखा है। आपने देखा है, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट पीछे सुनिए सर, ये देश का युवा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसा है इसका भविष्य वर्तमान में? जब आप खड़े हो, ये स्कूल का टाइमिंग चल रहा है और एग्जाम टाइमिंग चल रहा है, देश का युवा कहाँ खड़ा है ये भी आप देख रहे हो। खैर, मैं उस बात पे बात नहीं करता, आप उसके बाद में बात नहीं कर रहा, मैं अब ये कह रहा हूँ कि न्याय संगत बात करने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हैं, और आज उनको ये पूछा जाए कि वो कौन से न्याय के लिए निकले हैं। आज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के लिए जो सरकार 10 साल से आज मोदी जी ने विकास किया है और सारी योजनाएं जो की हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए कि ना कि किसी धर्म और जाति ना किसी विशेष के लिए की है, और आज और आज आज जनता जितना खुशहाल है, अर्थव्यवस्था भी आपने देखा है कि हम कौन से स्थान पर आ गए देश के। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? 10,000 रुपए पेंशन का मांग रहे हैं। एमएसपी की फॉर्म बताओ। एमएसपी के मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एमएसपी के बताइए। 10,000 रुपए पेंशन मांग रहे हैं वो, ठीक है। एमएसपी फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताओ। आप फुल फॉर्म बता दें, आप क्या करेंगे? हार जाएंगे, हार जाएंगे, मुझे नहीं पता, एमएसपी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, नहीं पता मैडम। किसान जो चीज मांग
रहे हैं उनके आंदोलन। मोदी विरोध में देश विरोध मत कर लेना, मोदी विरोध में देश बीजेपी हो रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके विपक्ष में आम जनता खड़ी हुई है। ये बच्चे, कल के बच्चे जो शिक्षा रोजगार मांग रहे हैं, इनके लिए कोई काम नहीं हो रही है, इनको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ रही है। 70 साल से कहां था वो शिक्षा और रोजगार का सवाल? 70 साल से क्या वो बीजेपी वर्सेस आम जनता यहां पर? मैडम एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले न्याय की बात हुई थी। न्याय, एक मिनट मैडम, न्याय इतना बढ़िया हुआ है। ब्रिजभूषण था जिसके पीछे 6 महीने तक वो लड़कियां यहाँ बैठी रही थी, इतना बढ़िया न्याय हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सेंगर था, सेंगर ने सारा काम किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। टैनी था, टैनी ने, एक मिनट भाई साहब, या तो मेरे को बोलने दिए पहले। मैं भी ये 70 साल यानी कर रहे हैं, ये बताओ कि 10 साल में इन्होंने क्या करा? 10 साल में इन्होंने क्या करा? 10 साल में, 10 साल में इन्होंने ये करा कि इस पार्क में आपके सामने दारू पी रहे हैं बच्चे, दारू पी रहे हैं, इन्होंने बोतल पकड़ा दी बच्चों को हाथ में, दारू पी रहे हैं। नहीं नहीं, केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं, पुलिस किसके हाथ में? यहाँ का विधायक कौन होगा? इनका यहाँ का दिल्ली की केजरीवाल सरकार, यहाँ का निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद कौन है? विधायक जो है वो बीजेपी का, निगम पार्षद वो बीजेपी का, एमपी वो बीजेपी का, लेकिन पीने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। बीजेपी का ठेकेदार क्या बोल रहा है? विकास है इधर से, 14 के बाद ही विकास हुआ। अरे सुनो सुनो, ये मत बोलो, सुनो मेरी बात, सुनो, क्यों नहीं बोलूं मैं? तुमने सुनो, ये सच्चाई बोल रहे हैं, दिल की आवाज़ है। किसी के सम्मान के साथ आप इतने बुजुर्ग हो, किसी के सम्मान के साथ आप ऐसे बात नहीं करोगे। मुझे अपनी बात कहने दो। जय सियाराम क्यों बोल रहे हो? जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे? जय श्री राम इनकी बाप होती है बीजेपी वालों की। जय सियाराम सबकी है, जय सियाराम सबकी है, जय सियाराम सबकी है, जय श्री राम। इनको श्री राम से ही दिक्कत है, इनको श्री राम के नाम से ही दिक्कत है। देखिए, बोल भारत बोल का आज का ये कार्यक्रम हम लोग यही खत्म करते हैं। लोकसभा चुनाव है, इसीलिए जनता भी हुंकार भरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं इस वक्त। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में आ गई है, लेकिन फिर भी आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही है। बोल भारत बोल का आज का कार्यक्रम हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।